हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी मैं बना रही हूँ सुबह की चाय और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। और जब तक चाय बन रही है मैं आपको दिखाती हूँ ये सुबह का व्यू। आप देख सकते हो इतना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह। और सुबह मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ ताकि एकदम बिल्कुल ताज़ी हवा आए घर में। और थोड़ी सी जब खिड़की खोलती हूँ तो थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा भी आती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। खैर बिना फ़ैन चलाए तो यहाँ चलता नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है। अब मैं वापस आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो बस चाय बनाने के बाद जैसे ही मैं बैठती हूँ देखती हूँ कि टाइम मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फटाफट मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने लगती हूँ। और साथ में मैं पनीर भी मुझे बनाना था, पर पता नहीं मैं रात को पनीर लाई थी कहाँ मैं रख दी, मुझे मिला नहीं पनीर। तो बस मैं भिंडी की सब्ज़ी ही बना के सिस्टी को भी लंच में वही दी और इनको भी लंच में मैंने वही दिया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45 और मैं सिस्टी को भी स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। यह है मेरे सोसाइटी के अंदर का सीन, बिल्कुल पास में है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल। 5-7 मिनट मैं इसके स्कूल पहुँच जाती हूँ। यह हमारा स्कूल जाने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। और सिस्टी को स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर पे आ गई थी और फिर इनको भी मैंने लंच वगैरह पैक कर दिया था, तो ये भी ऑफिस चले गए थे। उसके बाद फिर मैं वापस नीचे आ गई थी और सोसाइटी में मैं थोड़ा सा करीब आधे पौन घंटे मैंने घूमा, थोड़ा सा वॉक किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए थे मुझे घूमे हुए। तो बस मैं सोसाइटी में ही थोड़ा वॉक कर रही थी और थोड़ा आसपास देख भी रही थी कि क्या क्या है, क्योंकि मतलब अभी तक मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं अपनी सोसाइटी को पूरी तरह से घूम सकूं। जब मैं सोसाइटी में घूम रही थी तभी मुझे एक दो फ्रेंड भी मिली थी। फ्रेंड क्या, बस एक दो बार ही मैं उससे मिली हुई थी, पर वो काफ़ी अच्छी है और उसने काफ़ी मुझे हेल्प की थी। एक्चुअली मेरी बेटी के लिए मैं बुक ढूँढ रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी, तो उसने ही अपने बेटे वाला बुक मुझे दी थी। उसका बेटा एक्चुअली 9th में है, तो 8th की बुक उसके पास पड़ी थी तो उसने मुझे दे दी थी। तो बस उससे थोड़ी देर बात करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। ये रही मेरी चाय। एक्चुअली सुबह बनाई तो थी बट बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाई पीने का, तो अभी सब ये भी ऑफिस चले गए हैं। दुबई का रूटीन में बहुत अंतर हो गया है। एक्चुअली वहाँ पे सिस्टी का बस जो है स्कूल का वो सुबह 6:15 बजे आ जाती थी, तो मैं 5 बजे उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके उसको मैं भेज के उसके बाद में आराम से चाय पीती थी। बट अब उल्टा है, यहाँ 8 बजे से इसका स्कूल है और पास में ही है, तो इसीलिए वो 7:45 तक स्कूल के लिए यहाँ से निकलती है और इनका 8:30 बजे निकलना होता है, तो दोनों का टाइम ऑलमोस्ट बिल्कुल मैच हो जाता है। तो चाय आराम से बैठ के पीने का मौका बहुत कम मिल पाता है। सुबह इनके साथ मैं चाय तो बनाती हूँ, करीब 6 बजे मैं उठती हूँ यहाँ पे और चाय बना के पीती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता चाय पीने का, जैसे आज हुआ तो चाय मेरी बिल्कुल ठंडी हो गई थी, तो वापस मैंने अभी गर्म किया है। ये ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे भी स्कूल मेरे जा चुके हैं, तो बस अब चाय गर्म करके और अभी मैं बैठी हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ हमारा चाय है और बस व्यू का मज़ा लेते हुए। ये देखिए यहाँ मुझे बहुत पसंद है बैठ के चाय पीना, और बस यही सुबह आके मैं चाय पी लेती हूँ। लेकिन यहाँ कबूतर जो है मेरा यहाँ भी नहीं पीछा छोड़ रहा है, यहाँ भी आके कबूतर जो है अपना बसेरा बसा चुका है। ये देखिए ये डीमार्ट हम मैं पहुँच चुकी हूँ। सुबह सुबह खाली होता है, जल्दी काम हो जाएगा, पहले बैग में टैग कराना पड़ेगा। एक्चुअली घर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि कुछ ग्रॉसरी का सामान जो है वो बिल्कुल ख़त्म है और फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं आ गई थी डीमार्ट। डीमार्ट भी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी समझिए कि वॉकिंग ही 10 मिनट है। तो मैं आ गई थी और बस कुछ सामान लेके मैं घर चली गई थी, और क्योंकि मेरी मेड भी आने वाली थी, वो भी लगभग 10:30 बजे तक आ जाती है, तो 10 बजे मैं निकली थी तो 11:15 बजे तक मैं पहुँच गई थी। लेकिन तब तक वो पहुँच ही रही थी, मुझे बस यही थोड़ा डर लग रहा था है कहीं मैं मुझे घर पहुँचते पहुँचते वो ना आ जाए, पर वो आई नहीं थी, तो चलो ठीक अच्छा हुआ कि उसके आने से पहले मैं पहुँच गई थी।
और काफ़ी यहाँ पे मतलब सस्ता सामान मिल जाता है, तो मैं यही प्रिपेयर करती हूँ कि यहाँ से में ही मैं सामान ले लूँ। लेकिन जैसे इमरजेंसी कुछ होता है, अचानक सा सामान कुछ ख़त्म हो जाता है, तो वो घर के पास से ही मैं लेती हूँ, वरना मैं यहीं आके फिर सामान ले लेती हूँ। मैं अभी लंच में बना रही हूँ राजमा, आप देख सकते हो मसाला वगैरह मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें ने बस वही प्याज लहसुन अदरक ये सब सारा भुना है, और टमाटर भी साथ में, सब सारे मसाले वगैरह जितने भी थे सब मैंने एक साथ ही भून डाले हैं। और राजमा मैंने इसमें बॉईल करके रख दिए हैं। अब जैसे ये मसाले हो जाते हैं मैं राजमा इसमें डाल दूँगी। ये टीवी कैबिनेट का फर्स्ट डोर है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो है ये सारे जो मास्क है आप देख रहे हैं, दो तरह के मास्क है, तो इसमें मैं सिर्फ मास्क वगैरह ही रखूँ। यहाँ भी है एक्स्ट्रा मास्क रहा, क्योंकि मास्क ऐसा चीज़ है जो डेली यूज़ होते हैं। मास्क रख दिया है, ये मेरे हस्बैंड का मास्क है, ये सृष्टि का मास्क है आप देख सकते हो, और उसके बाद इधर कुछ एक्स्ट्रा मास्क पड़े हुए थे, ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो ये जो फर्स्ट ड्रॉअर जो है टीवी यूनिट का, इसमें मैंने सिर्फ मास्क वगैरह ही रखा है। आज मैं थोड़ा लिविंग रूम को ठीक करने जा रही हूँ। वैसे तो थोड़ा बहुत मैंने पहले ही ठीक कर दिया था, पर आज मैं सोच रही थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करके और अरेंज करूँ सामान को थोड़ा बहुत। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी तक मेरा जो है पूरा सामान नहीं आ पाया। एक्चुअली मैंने पलंग एक ऑर्डर किया हुआ है, एक अपना मैंने वार्डरोब ऑर्डर किया हुआ है, तो वो दोनों आ जाए तो बाकी का जो भी सामान है मेरा एक्स्ट्रा गद्दी में पड़े हुए, तो वो मैं उसमें अरेंज कर दूँगी, तभी प्रॉपर अच्छे तरह से मेरा जो है घर अरेंज हो पाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो लिविंग रूम को मैं थोड़ा सा तो मैं कवर करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए हैं मेरे सामान भी आए हुए, लगभग 1 वीक हो गए हैं। तो अब मैं सोची कि चलो थोड़ा सा तो मैं कर ही देती हूँ मेकओवर। तो ये देखिए मैंने टीवी यूनिट को थोड़ा सा मतलब सजाने की कोशिश की है। उसके बाद ये है हमारा सेंट्रल टेबल, उस पर मैंने एक रनर डाला है, और ये छोटा सा गोल्डन ट्रे मेरे पास था वो मैंने यहाँ पे डाला है, तो लुक थोड़ा सा बेटर हो गया है। तो ये देखिए मैंने छोटा सा मेकओवर किया है, अभी पूरा सामान आया नहीं है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे खुलता जा रहा है वैसे मैं थोड़ा सा सजाते जा रही हूँ। तो बस एक्चुअली यहाँ पे कुशन वगैरह मुझे अभी लेना है, कुशन कवर तो है हमारे पास पर कुशन वगैरह हमारा नहीं था, वो वहाँ बैंक का था तो वहाँ से मैं लाई नहीं, और मुझे अपना कुशन लेना है तो इसके लिए मार्केट जाना होगा, लेकिन अभी टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है। तो बस एक कुशन था आप देख सकते हो, ब्लू कलर का ही था, तो वो मैं लगाई हूँ। यहाँ कुछ पेंटिंग लगा ली हूँ पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको फिर से थोड़ा सा चेंज करना होगा मुझे, फ़िलहाल तो अभी ऐसे रहने देती हूँ। और यहाँ टेबल पे मैंने छोटा सा गोल्डन कलर का ट्रे रखा है और एक रनर रखा है, तो सोफ़ा के साथ इसका कुछ ऐसा व्यू आता है आप देख सकते हो, कुछ ऐसा व्यू आता है। उसके ठीक सामने है यह हमारा टीवी यूनिट, और ये बड़ा सा वॉश मैंने यहाँ पे रखा है आप देख सकते हो, बड़ा सा वॉश जो है मैंने यहाँ पे रखा है, छोटा छोटा मतलब सजाने वाला चीज़ मैंने रख दिया है। इसके अंदर भी है कुछ, एक्चुअली जो मेरा टीवी यूनिट था ना ये बिल्कुल दो पार्ट में था, आप ऊपर टीवी देख रहे हो ना, यहाँ पे भी एक बड़ा पार्ट था, लेकिन ये टीवी मेरा चूँकि बड़ा था इसकी वजह से आया नहीं उसके अंदर टीवी, ये तो उस पार्ट को मुझे हटाना पड़ा और उसे मैं सृष्टि के कमरे में फिलहाल रखी हूँ, और नीचे का पार्ट जो है वो टीवी यूनिट के रूप में मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। उसके बगल में मैंने ये देखिए एक सुरैक रखा है, अब दुबई वाले ब्लॉग में भी मेरा ये सुरैक देखे होंगे, पर यहाँ लाने के बाद ना ये थोड़े से बिल्कुल ढीले से हो गए हैं, तो इसे थोड़ा सही कराना पड़ेगा।
उसके बाद चूँकि ये थोड़ा सा मेरा हॉल जो है ये छोटा है, इसमें डाइनिंग टेबल पूरा नहीं आ पाएगा, तो मैंने डाइनिंग टेबल नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं डाइनिंग टेबल रखती हूँ तो ये बिल्कुल भर जाता है ये कमरा, और इसलिए बस छोटा सा दो चेयर मैंने लिया है, याइकिया से मैंने चेयर लिया है, और ये टेबल जो है आपने मुझे दुबई वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, तो वहीं से ये टेबल लेके आई थी, तो बस इस टेबल के साथ मैंने ये याइकिया वाला टेबल को पेयर कर दिया है, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और ठीक इसके कॉर्नर में मैंने ये एक कॉर्नर डेक असेंबल किया है, तो ये मैंने एक रखा है, अभी प्रॉपर तरीके से मैं बिल्कुल नहीं की हूँ, बस जैसे जैसे मेरा सामान खुलता गया और जैसे जैसे मिलता गया बस उस हिसाब से मैंने किया है। ऐसा सा है, आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल व्यू, वो मेन डोर है टीवी के बगल में, और इस तरह आप देख सकते हो कि यह है हमारा लिविंग रूम। छोटा सा मेकओवर है हमारे लिविंग रूम का, मेकओवर क्या, फर्स्ट टाइम ही मैं इस रूम को थोड़ा सा मतलब सही करने की कोशिश की हूँ। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अभी शाम हो गए हैं और 6:20 हो गए हैं, अब इनके आने का भी टाइम हो गया है, ये करीब आधे घंटे में आ जाएंगे। और ये कर्टन मैं दिन में लगा के रखती हूँ क्योंकि बहुत धूप आती है, तो धूप की वजह से बहुत गर्मी रहती है, तो इसे मैं अब हटा देती हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है, आप देख सकते हो। ये देखिए शाम हो गई है, यहाँ मच्छर वगैरह बिल्कुल नहीं है, एक भी मच्छर नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए इसे मैं शाम को खोल देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कितना प्यारा लग रहा है शाम का व्यू, अभी कुछ कुछ बिल्डिंग्स में लाइट जले हैं, सब में नहीं जले हैं। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।